नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज 30 तारीख थी लास्ट, मतलब और आज के दिन कम से कम 4.5 लाख छात्र वर्ग 2 के इंतजार कर रहे थे कि वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों पीवी ने डेट पर डेट देती गई, लेकिन उन्होंने एक फाइनली डेट दी थी कि सितंबर के लास्ट वीक में हम आपको रिजल्ट दे देंगे, लेकिन आज सितंबर की लास्ट दिन भी था और जो सप्ताह था वो भी लास्ट था, लेकिन आज ऐसी उम्मीद थी सभी को कि वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आज मैंने भी पीवी में कॉल किया, काफी टाइम ट्राई किया लेकिन एक बार कॉल हुआ और उनसे बात होने के बावजूद भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि ऐसे लगा कि आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों मेरे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने भी बात की पीयूबी में, उन लोगों ने मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी और वो भी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो उससे यही पता चल रहा था कि इनका बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और हो सकता है पूरे चांसेस वर्ग 2 के रिजल्ट के आज ही कि आज वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा, जैसा उनसे अपडेट मिल रहा था हम आपको वैसा ही अपडेट करा रहे थे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही थी कि हमारे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए मेरे एएस एकेडमी परिवार से कोई भी निराश ना हो और किसी को भी निराश ना होने पड़े, ये मेरी हमेशा उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से बात करता हूँ। इसी उम्मीद को लेकर मैं दूसरों से जो भी जानकारी मिल पा रही थी पीवी के माध्यम से उसको मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था और मुझे भी उम्मीद पूरी थी कि आज वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज वर्ग 2 का रिजल्ट ना आने का एक बड़ा कारण वही भी हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज यदि वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आए तो वो क्या कारण हो सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले से जो पीवी है, पीवी में एक कारण ऐसा रहा है कि कभी भी पीवी ने एक साथ दो चीजें अपडेट नहीं की और कभी बहुत रियर केस में कर दी होंगी तो अच्छी बात है, बट लेकिन मुझे जब से मैंने पीवी देखा और पीवी समझ रहा हूं तब से मुझे ऐसे लगा कि पीवी ने एक दिन में ना तो दो रिजल्ट दिए हैं, ना उन्होंने अपने माध्यम से कोई दो विज्ञप्ति जारी की है, ना भी कोई ऐसे दो नोटिस निकाले, ना कोई दो एग्जाम की डेट निकाली, कोई भी पीवी ऐसे एक साथ एक दिन में दो चीजें नहीं अपडेट करता है। तो दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, आपको पता होगा कि कल 29 सितंबर था, संडे को हमारे वर्ग 1 के भाई बहन का री एग्जाम हुआ था इंग्लिश पेपर का, और इंग्लिश पेपर का कल जो एग्जाम हुआ उसके जस्ट बाद, मतलब 29 को पेपर हुआ, आज 30 को उन लोगों ने उसकी उत्तर पुस्तिका जो आदर्श उत्तर पुस्तिका थी जिसको हम मॉडल आंसर की बोलते भाई अपलोड कर दी है। तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि दोस्तों यदि आज उन लोगों ने मॉडल आंसर की अपलोड कर दी है इस कारण रिजल्ट ना अपडेट किया हो, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया ना कि एक भी कभी भी पीवी दो काम एक साथ नहीं करती है, दो चीजें एक साथ अपलोड नहीं करती, तो इसका एक कारण हो सकता है कि उन लोगों ने आज मॉडल आंसर की प्रोवाइड करा दी इसलिए रिजल्ट ना दिया हो। यदि रिजल्ट उनको देना है तो हो सकता है कल भी दे सकते हैं या परसों दे सकते हैं, लेकिन यह रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित होगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है, सारे प्रयास यही है कि आप सब मोटिवेट रहें, आप सब लोग पॉजिटिव सोचते रहें, क्योंकि दोस्तों आप कभी ऐसा ना कदम उठाएं कि आपको नुकसान करना पड़े। आज बहुत सारे छात्र ऐसे कमेंट्स कर रहे थे जिनसे मुझे भी काफी मतलब बुरा लग रहा था कि मेरे ही परिवार के सदस्य हों आज ऐसा बोल रहे हैं कि जिनको मतलब अपनी हानि की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। वर्ग 2 का आज रिजल्ट नहीं आए तो आप चिंता ना करें, सभी लोग आप थोड़ा सा इंतजार और करें, हो सकता है कल का इंतजार कर लेते, परसों का भी इंतजार कर लेते, आज मॉडल आंसर की आ गई है तो इस कारण वर्ग 2 का रिजल्ट ना आया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन मैं अपने सभी परिवार के, मैं अपने जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे तो ही काम अच्छा होगा। आप ठीक है, पीवी ने जो डेट दी थी उस डेट पर वो खरे नहीं उतरे, इस चीज का हम भी बोलते हैं कि कारण जो भी है यह निंदनीय है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों की, जितने भी छात्र, लाखों छात्रों की भावनाओं को आहत पहुंचती है, वो लोग मतलब परेशान होते हैं और चिंता का विषय यही है कि लोग वो एक बार डेट निश्चित कर देना चाहिए कि इस डेट पर हम आपको रिजल्ट दे दें, तो उसी डेट पर उनको रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और जैसे ही अपडेट हमारे लिए मिलते हैं हम आपके लिए जरूर अपडेट करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरी पूरी कोशिश है कि आप जैसा ही मैं हूं, हमेशा बोलते आया कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है,
तो इसलिए आपको भी वर्ग दो का इंतजार है, उसी प्रकार मुझे भी इंतजार है। तो थोड़ा सा आप भी सहयोग करें, थोड़ा हम भी सहयोग करें और थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, रिजल्ट एक या दो दिन में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वर्ग तीन की तैयारी जरूर करते रहिएगा। वर्ग तीन की तैयारी को आप कोई भी गलत जानकारी के चक्कर में छोड़ ना दें, यदि छोड़ेंगे तो हो सकता है आपका कहीं नुकसान हो जाएगा, है ना। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।